हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू जीवन का सत्य में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महादेव को त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है और क्या है महादेव के त्रिपुंड की तीन रेखाओं का रहस्य और कैसे मिलती है नवग्रह दोष से मुक्ति। जानिए कैसे लगाते हैं तिलक। तो इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को त्रिपुंड लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और नवग्रहों के दोष से मुक्ति मिलने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। माना जाता है कि भोलेनाथ को सच्चे भाव से जल चढ़ाने मात्र से ही व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध से अभिषेक आदि कराने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को चंदन से तिलक लगाने के अलावा त्रिपुंड लगाना भी शुभ माना जाता है। माथे पर एक समान तीन रेखा खींचने को त्रिपुंड कहा जाता है। महादेव की पूजा के समय उन्हें चंदन या फिर भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि त्रिपुंड लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन शायद ही आपको ये रहस्य पता हो कि त्रिपुंड लगाने से भगवान शिव की नहीं बल्कि 27 अन्य देवी देवता और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। जानिए भगवान शिव को लगाने वाला त्रिपुंड का रहस्य और इसे किस तरह से लगाना होता है शुभ। श्री त्रिपुंड शिव महापुराण कथा के अनुसार त्रिपुंड में तीन रेखाएं होती हैं जिसमें 27 देवी देवताओं का निवास होता है। पहली रेखा में 9 देवियों का निवास होता है, दूसरी रेखा में 9 ग्रह यानी शनिदेव, सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु केतु का वास होता है। इसके साथ ही तीसरी रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव को कैसे त्रिपुंड लगाया जाता है। शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान शिव को त्रिपुंड लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध से त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो ऐसे ही उंगली से लगा सकते हैं। त्रिपुंड लगाने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ की बीच की उंगली यानी मध्यमा और अनामिका से पहले ऊपर की दो रेखाएं बनाएं, इसके बाद नीचे तर्जनी उंगली से रेखा बना दें। इसे त्रिपुंड कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि त्रिपुंड हमेशा बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाना चाहिए। भगवान शिव को विधिवत तरीके से त्रिपुंड लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड लगाने से 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। त्रिपुंड लगाने से बुरी शक्तियों से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। महादेव को त्रिपुंड लगाने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। महादेव के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी त्रिपुंड के बारे में जानकारी। हर हर महादेव।